नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे पांच ऐसे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने बीते तीन साल में निवेशकों का पैसा दो गुना से ज्यादा तक कर दिया है यानी अगर किसी ने इन लार्ज एंड मिड कैप फंड में तीन साल पहले एक लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो वो आज दो लाख चार हजार तक हो गए हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड स्कीमें कैटेगरी के हिसाब से होती हैं इन्हीं में से एक कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की जैसा कि नाम से पता चलता है म्यूचुअल फंड की ये स्कीमें लार्ज और मिड साइज की कंपनियों के स्टॉक्स में मिला जुलाकर निवेश करती हैं इन स्कीम्स के लिए अपनी कुल रकम का कम से कम 35 प्रतिशत लार्ज कैप कंपनियों के शेयरों में और 35 प्रतिशत ही मिड कैप कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है अगर हम रिस्क की बात करें तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की तुलना में ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम रिस्की होते हैं आज हम इस वीडियो में पांच ऐसे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले तीन सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि इन म्यूचुअल फंड्स ने लम्बसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने वालों का पैसा पिछले तीन साल में कितना कर दिया है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए दोस्तों इसके साथ साथ आज इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इनमें से कितने म्यूचुअल फंड्स में खुद इन्वेस्ट करता हूं हमारी पहली स्कीम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान दोस्तों क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले एक लाख रुपए लंबसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज दो लाख चार हजार रुपए हो गए होते वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले पांच हजार रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज दो लाख इकहत्तर हजार रुपये हो गए होते क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न्स पर नज़र डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न अट्ठारह प्रतिशत का है इसका सात साल का एवरेज रिटर्न सोलह प्रतिशत का है इसका पाँच साल का सीएजीआर रिटर्न चौदह प्रतिशत का है और पिछले तीन साल में इस स्कीम ने छब्बीस रिटर्न दिया है और पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है पन्द्रह दशमलव दो आठ प्रतिशत का इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एस के जरिए एक हज़ार रुपये और लम्पसम पाँच हज़ार रुपये कर सकते हैं मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी दूसरी स्कीम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले एक लाख रुपए लंबसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज एक लाख इक्यासी हजार रुपये हो गए होते वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले पांच हजार रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज दो लाख उनहत्तर हजार रुपये हो गए होते आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न पन्द्रह का है इसका सात साल का एवरेज रिटर्न पंद्रह दशमलव एक तीन प्रतिशत का है इसका पांच साल का सीएजीआर रिटर्न बारह दशमलव आठ दो प्रतिशत का है और पिछले तीन साल में इस स्कीम ने इक्कीस दशमलव आठ दो प्रतिशत रिटर्न दिया है और पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है पंद्रह दशमलव शून्य दो प्रतिशत का इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए सौ और लंबसम पाँच कर सकते हैं यानी आप इस स्कीम में सौ रुपये के छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी तीसरी स्कीम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान दोस्तों एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फ़ंड ने भी निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले एक लाख रुपये लंबसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज एक लाख सतहत्तर हजार रुपये हो गए होते वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले पांच हज़ार रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज दो लाख अट्ठावन हजार रुपए हो गए होते एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न सोलह सात प्रतिशत का है इसका सात साल का एवरेज रिटर्न चौदह दशमलव छह नौ प्रतिशत का है इसका पाँच साल का सीएजीआर रिटर्न बारह दशमलव सात शून्य प्रतिशत का है और पिछले तीन साल में इस स्कीम ने बीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत रिटर्न दिया है और पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है दस दशमलव चार पांच प्रतिशत का इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एस के जरिए पांच सौ रुपये और लंबसम पांच हजार रुपये कर सकते हैं मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी चौथी स्कीम है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान दोस्तों HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले एक लाख रुपए लंबसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज एक लाख चौहत्तर हजार रुपए हो गए होते वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले पांच हजार रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज दो लाख इकसठ हजार हो गए होते एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न्स पर नज़र डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न ग्यारह दशमलव आठ सात प्रतिशत का है इसका सात साल का एवरेज रिटर्न तेरह दशमलव दो प्रतिशत का है इसका पांच साल का सीएजीआर रिटर्न बारह दशमलव चार दो प्रतिशत का है और पिछले तीन साल में इस स्कीम ने बीस दशमलव तीन छह प्रतिशत रिटर्न दिया है और पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है दस दशमलव छह प्रतिशत का इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए सौ और लंपसम भी सौ कर सकते हैं यानी आप इस स्कीम में सौ रुपये के छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है आप जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी पांचवी स्कीम है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फ़ंड डायरेक्ट प्लान दोस्तों मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फ़ंड ने भी निवेशकों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अगर किसी ने इस फ़ंड में तीन साल पहले एक लाख रुपये लंबसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज एक लाख तिहत्तर हज़ार रुपये हो गए होते वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में तीन साल पहले पांच हजार रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज दो लाख बयालीस हजार रुपये हो गए होते मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के रिटर्न पर नजर डाले तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न बाईस का है इसका सात साल का एवरेज रिटर्न अठारह दशमलव तीन नौ प्रतिशत का है इसका पाँच साल का सीएजीआर रिटर्न तेरह दशमलव नौ एक प्रतिशत का है और पिछले तीन साल में इस स्कीम ने बीस प्रतिशत रिटर्न दिया है और पिछले एक साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है एक दशमलव चार शून्य प्रतिशत का इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए एक हजार रुपये और लमसम पांच हजार रुपये कर सकते हैं मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार इन लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को बीते सालों में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं दोस्तों इस वीडियो में बताए गए म्यूचुअल फंड्स में से मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूं। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श कर ले आपको पांच बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फ़ंड्स की यह जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके अलावा आप कौन से म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तीन तरीके होते हैं पहला फंड कंपनी की वेबसाइट दूसरा ब्रोकर के थ्रू और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं धन्यवाद